इंडस्ट्री में हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती हैं। पॉपुलर खूबसूरत एक्ट्रेस और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है ऐश्वर्या राय बच्चन ने। हमेशा ही अपनी खूबसूरती के जरिए फैंस को दीवाना करती हुई नजर आती हैं। आज के समय में ऐश्वर्या राय बच्चन 9 साल की बेटी आराध्या बच्चन की माँ है, लेकिन आज भी ऐश्वर्या राय अपने दिलकश अंदाज, अपनी खूबसूरती के जरिए आप सभी को दीवाना करती हुई देखी जाती हैं। इस मुकाम को हासिल करने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने कड़ी मेहनत की है, वहीं कुर्बानी भी दी है। आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे कि किस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखना नहीं चाहती थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। चर्चा करेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी, ऐश्वर्या राय बच्चन आखिरकार एक एक्ट्रेस क्यों नहीं बनना चाहती थी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में नाम शुमार है बच्चन परिवार की लाडली प्यारी बहू एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का। ऐश्वर्या राय ने अपनी फिल्मी करियर में अब तक कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं, जहां एक ओर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, वहीं दूसरी ही तरफ दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के जरिए लोगों को दीवाना करती हुई नजर आती हैं। ऐश्वर्या राय ने बतौर मॉडल अपनी करियर की शुरुआत की और बहुत ही कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत जगह बना ली थी। देश विदेश में उनकी मासूम से चेहरे के काफी लोग दीवाने हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम नहीं रखना चाहती थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन कुछ सालों बाद मुंबई शहर में बस गया और इस वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई पर काफी गहरा असर पड़ा। ऐश्वर्या राय ने आर्य विद्या मंदिर, जय हिंद कॉलेज और डीजी रूपारेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स से अपनी पढ़ाई की है। वहीं कॉलेज ड्रॉप आउट होने की वजह से वह डिग्री हासिल नहीं कर पाई थी। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार रही हैं। उनके मार्क्स स्कूल में 90% तक आते थे, लेकिन वह फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना नहीं चाहती थी। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन एक आर्किटेक्चर या फिर मेडिसिन लाइन में जाना चाहती थी, लेकिन क्लास 9th में उन्होंने कैमलिन पेंसिल के लिए पहला एड शूट किया था। लेकिन जब वह 12th क्लास में पहुंची, उस दौरान उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे थे, लेकिन वह मना कर दिया करती थी। लेकिन आगे चलकर ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हो गई। ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहली ही फिल्म के जरिए अपनी खूबसूरती के जरिए हर किसी को दीवाना बना दिया। आज के समय में ऐश्वर्या राय बच्चन वाकई में फैंस को दीवाना करती हुई नजर आती हैं। बता दें आपको ऐश्वर्या राय बच्चन की पहली फिल्म के बारे में, साल 1997 में उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। साल 1997 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। फिल्म इरुवर के जरिए उन्होंने डेब्यू किया था और फिर साल 1997 में फिल्म और प्यार हो गया के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसके बाद ऐश्वर्या राय ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो आज एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन वह कुछ और ही बनना चाहती थी। वर्क फ्रंट के बारे में बातचीत की जाए तो ऐश्वर्या राय बच्चन जल्द ही आप सभी को नजर आएंगी फिल्म पोनियन सेल्वन में, और इस फिल्म की शूटिंग को लेकर लगातार व्यस्त नजर आई हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। सोशल मीडिया पर आए दिन इस फिल्म को लेकर वह अपने फैंस को
इन्फॉर्मेशन भी देती हुई देखी जाती हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कहते हैं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।